क्राइम रिपोर्टर्स टीनीज में आपका स्वागत है। मैं उनिशा सरोज, आई नजर डालते हैं आज कुछ खास खबरों पर। पूरे भारत भर में सीए और एनआरसी के विरोध में जहां विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं वसई के गांव में आज भारत बंद किया गया था, जहां वसई लोगों ने सीए और एनआरसी का विरोध किया। हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होकर तिरंगा हाथ में लेकर रैली निकाली गई। वहीं लोगों ने जानकारी दी। जो मोदी जी और योगी जी बोलते महिलाओं का अधिकार, महिलाओं का अधिकार, आज अगर महिलाएं उधर जाके दिल्ली में बैठी हैं तो उनकी आवाज सुनो और उनसे मिलो और देश को तोड़ो मत, देश को जोड़ो। हम जोड़ने वाले लोग हैं, तोड़ने वाले लोग नहीं है। जो अपने इधर भी जो आंदोलन चालू है वो कायम रहे और जो ये हो रहा है आंदोलन कायम रहे। हाँ, आंदोलन कायम रहे। क्यों आंदोलन कायम रहेगा भाई? क्योंकि अपना जो सरकार है ये गलत कर रही है। सीए, एनआरसी और एनआरपी वो नहीं लगना चाहिए। सर, आपका नाम? आदिल अमरोही। सर, जो एनआरसी के बारे में बंद किया हुआ उसके बारे में क्या बोलना चाहते हो? सर, जो भी प्रकाश यादव साहब ने बोले वही मुझे बोलना है कि जो बंद हम लोग ने किए एनआरसी के अगेंस्ट में किए, कि देश में बेरोजगारी बहुत है, उसको पहले सॉल्व करें गवर्नमेंट। और बाहर के लोगों को इंडिया में लाना चाहती है, क्या फ़ायदा उस चीज़ का? और हमारे लोग बेरोजगार है, हमारे काम धंधे नहीं, वो पहले सॉल्व करें कि हम लोग को सब कायदे कानून में लगा रही गवर्नमेंट, ये पेपर लाओ वो पेपर लाओ, कहाँ से लाए? गरीब लोग के पास कहाँ पेपर है? लोग लीव लाइसेंस के घर है, चाहे बारूद भाड़े के घर में गरीब लोग रहते हैं, सबसे ज़्यादा गरीब लोग मारे जाएंगे। और हम गरीबों के अकेले लड़ रहे, देश में जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, बहुत हमारा देश का नुकसान हो रहा है इससे, तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इसके ऊपर। मेरा नाम खालिद शेख है, मैं एक LLB स्टूडेंट हूँ। देखिए, कानून को बहुत गंभीरता से एक हमारी कमेटी संविधान बचाओ कमेटी, जो ये बहुजन मुक्ति मोर्चा ने जो बंद रखा है इसमें हमारा समर्थन है और बहुत कामयाब बंद दिख रहा है। क्यों बंद दिख रहा है? हमारा नहीं कामयाब, क्योंकि इस वक्त जो हमारी कौम है ना वो जाग चुकी है। ये सोए हुए लोगों को इन्होंने जगा दी हम लोगों को, और ये जो हुकूमत हमारे साथ में करती है NRC NPR और CAA के बारे में ये जालिमाना कानून हम पर लागू कर रही है, जिसके खिलाफ ये आंदोलन हमारा लंबे वक्त तक चलेगा। इनको क्या लगता है एक बंद से हम खत्म हो जाएंगे? ऐसे कई बंद हो गए अगर जब तक आप ये कानून वापस नहीं लोगे। और ये ट्रिपल तलाक पे इन्होंने हमको, इनको लगता है हमारी माँ बहनों को इन्होंने इंसाफ दिलाया। जाओ साइन बाग में भी हमारी माँ बहनें बैठी है, उनके पास जाओ और अपनी चप्पल इनकी छाती लेके पूछो ना कि क्यों बैठी है तुम। इनके पास सवाल पूछने को नहीं है और हमारे पास जवाब देने को बहुत कुछ है। ये बात ध्यान में रखना कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो कानून बनाया किसी जात धर्म को लेकर नहीं बनाया, और ये कानून जो बना है वो आर्टिकल 14 का वायलेशन कर रहा है, जिसके लिए हम सब, सिर्फ मुसलमान नहीं है यहाँ पे, हमारे दलित समाज के लोग भी मिले हुए। बहुजन मुक्ति मोर्चा ने मौलाना सज्जाद नोमानी से जब मीटिंग किया तो उन्होंने कहा मौलाना साहब टारगेट आप लोग नहीं है, टारगेट हम लोग है, निशाना आप लोग है, इसलिए हमने इस बंद में साथ दिया है और ऐसे कई बंद में हम साथ देंगे। और इसके लिए हमारे कोलीवाड़ा के मूसा गली के जितने भी भाई है सब आज रोड पे आ चुके हैं और काफी कामयाब बंद दिख रही है। जी, मेरा नाम मोहम्मद रईस शेख। सर, जो NRC के बारे में सब बंद रखा हुआ है उसके बारे में सर क्या बोलते हैं? NRC गवर्नमेंट जबरदस्ती लाना चाहती है जिसकी कोई जरूरत नहीं है। जो मूल मुद्दे है गवर्नमेंट उससे भटक रही है, और जो NRC ला रही है ये हम लोगों के पास किसी के पास पुरावा नहीं है। जो 50 साल से यहाँ रह रहे हैं उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो भी गवर्नमेंट जबरदस्ती ये कानून लाना चाहती है, जिसका हमने पूरा विरोध किया है, हमारे पूरे समाज ने विरोध किया है, हमारे दलित भाइयों ने विरोध किया है, मुसलमानों ने विरोध किया है, हर कोई कौम ने विरोध किया है। हम ये कानून लाने नहीं देंगे, हम मर जाएंगे लेकिन हम ये कानून लाने नहीं देंगे। मोदी साहब को हमारी बात सुनना पड़ेगी। उन्होंने कोशिश किया और आज भारत बंद सक्सेसफुल हुआ। NRC CA और NRP के हिसाब से जो आज भारत बंद का ऐलान था वो ऐलान सक्सेसफुल हुआ। महाराष्ट्र, मुंबई और पूरा भारत बंद है और बंद रहेगा। सर, ये भारत बंद है, आज भारत बंद के हिसाब से बहुत जनों को तकलीफ हुई, आज लोगों के काम धंधे बंद हुए हैं, सर उसके बारे में क्या बोलना चाहते हो? आज अब हर किसी को तकलीफ हो रही है, छोटे से छोटा इंसान, बड़े से बड़े इंसान, आज इनको जो भी जो रोज कुआ खोदते रोज पानी देते हैं आज उनको भी बहुत सारी तकलीफ हुई, तो उनका जिम्मेदार कौन है सर? देखो, उनका जिम्मेदार सरकार है, क्योंकि सरकार के बीजेपी की जो सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आने के हिसाब से ये आज मजबूरी CA और NRP और NRP इसके हिसाब किताब से आज भारत बंद है। अगर ये बिल नहीं निकलता था, ये अगर बिल पास नहीं होता था तो ये आज बंद होने का मकाम ही नहीं आता था। ये मजबूरी इसके हिसाब से बंद किया गया और थोड़ा तो तकलीफ लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके सब विरोध में हैं। आप देख रहे हैं कि दिल्ली में, UP में, सब जगह कितना। प्रकाश यादव। सर, जो NRC के बारे में बंद रखा हुआ है उसके बारे में सर आप क्या बोलना चाहते हो? NRC हा जो मुद्दा है, हा भारतातले जे मूळचे इथले रहिवासी आहेत,
जे वर्षानुवर्ष पूर्वजांपासून या ठिकाणी राहत आहेत त्यांना या भारतातून बाहेर फेकण्याचा कार्यक्रम आहे. दुसरी गोष्ट, भारताच्या बाहेरचे जे लोक आहेत यांना हिंदू राष्ट्र करायचं आहे. जे भारताच्या बाहेरचे हिंदू आहेत त्यांना इथं आणून बसवायचं आहे. आम्हाला कुठल्या धर्माशी घेणं देणं नाही आहे, पण आमचे हक्क हे लोक हिरावून घेत आहेत. आज आमचे वडील दादे ज्यांचे शिकलेले नाहीत काही नाहीत त्यांच्याकडे आज यांना 50 वर्षापूर्वीचा पुरावा हवा आहे. आमच्याकडे तर कागदच नाही आहे. आज आमचे आदिवासी बांधव जे दरी डोंगऱ्यामध्ये राहत आहेत त्यांच्याकडे आजच्या तारखेला त्यांचा एकही कागद नाही आहे. आणि ते त्यांच्याकडे 50 वर्षापूर्वीचा किंवा 1950 जर पुरावा मागत असतील तर ते कुठून आणतील. आज आपण शहरामध्ये राहतो. आज आपल्यामध्ये सुद्धा काही अशी लोकं आहेत की ज्यांच्याकडे एकही कागद आपल्याला मिळणार नाही, जे भाड्याच्या घरात राहतात, कुणाकडे तरी येऊन राहिलेले आहेत. त्यांनी 1950 पूर्वीचा पुरावा कसा आणायचा? आणि मग ते जर इथलं त्यांचं जर रक्त इथलं आहे, त्यांचा DNA इथला आहे, तर मग ते भारताचे नागरिक नाहीत का? NRC कायद्याच्या अंतर्गत आमची हीच मागणी आहे की तुम्ही DNA च्या बेसवरती NRC घ्या. वसईचे क्राईम रिपोर्टर स्टीव्ह न्यूज की एक रिपोर्ट.